हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माई ब्रॉन्ज चैनल मशीन मेड कैड केम सॉल्यूशन। तो G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन वाया एक्स वाई और आर के बाद अब हमारा जो आता है वो है IJK। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर इंटरपोलेशन G02 और G03 IJK के द्वारा कैसे प्रोग्राम की जाते हैं। पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे, एक पूरा एग्जांपल समझेंगे, IJK को कैसे अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियो लगातार लाता रहूँ। तो चलिए आते हैं पॉइंट में। अभी सबसे पहले किसी सर्कल को प्रोग्राम करने के लिए, इंटरपोलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक एंडमिल चाहिए और जिस ID या OD में हमको मशीनिंग करना है वो डायमीटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक 100 का जो हमारा सर्कल है वो लेता हूँ और 20 का एक कटर लेता हूँ और उसकी जो रेडियस है वो 50 की होगी, 100 का डायमीटर है। अब यहाँ पे हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। एक तो अगर आपको ID में मशीनिंग करना है विदाउट CC यानी कटर कम्पेंसेशन, अदरवाइज आपको OD में मशीनिंग करना है विदाउट CC, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं। सपोज आपको अगर ID में मशीनिंग करना है तो क्या करना होगा कि जो हमारा डायमीटर होगा, मतलब अगर हमको I की वैल्यू निकालनी है तो I=R=, यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे 100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे जो हमारा कटर का डायमीटर होगा, अगर = ये हो जाएगा OD में निकालना है ये होगा हमारा, सपोज 100 का है तो हमारा 100 प्लस कटर का डायमीटर 20 है तो 120 हो जाएगा। और आपको ID में अगर निकालना है तो ये अपना सेम फॉर्मूला है, वही डायमीटर 100 माइनस जो कटर का ये डायमीटर वो अब ये आ जाएगा 100 माइनस ये हमारा 20 है तो ये आ जाएगा 80। अब यहाँ पे आप दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो, ID या OD में कहीं से भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आज इस वीडियो में हम बनाएंगे OD पे। उससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझने के लिए आप कहीं से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ID या OD में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक सर्कल को ब्रेक करने के लिए समझना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको एक सर्कल को ब्रेक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सपोज ये कोई एक सर्कल है, यहाँ से एक ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा रेडियस है। अब यहाँ पे मान लो मैं 4 पॉइंट देता हूँ, ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि सपोज मान लो ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट से प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। सपोज Q1 से स्टार्ट कर सकते हो, Q2 से, Q3 से, Q4 से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सर्कुलर इंटरपोलेशन जैसी ज़रूरत आपको कटर के अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, कैसे आप चाहे तो G02 में घुमा सकते हो, अदरवाइज G03 में भी घुमा सकते हो, ये आपको जैसी ज़रूरत हो इस तरीके से भी घुमा सकते हो और हमारा इस तरीके से भी घुमा सकते हो, जहाँ से जैसी ज़रूरत हो ऐसा हम प्रोग्राम बना लेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहने देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो IJK होता है वो हमारा एक्चुअल में इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारा XYZ होता है वो हमारा होता है IJK, यानी X=I, Y=J, Z=K। ये हमारे जो है वो हम एब्सोल्यूट में प्रोग्राम करते हैं और ये IJK है वो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड है। अब यहाँ पे IJK=XYZ ये तो आप समझ गए हैं। अब जब हमको ये प्रोग्राम में यूज करना होगा तो कैसे प्रोग्राम करते हैं, चलिए एक सिंपल सा
एग्जांपल लेते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी सर्कल को ना चार पॉइंट में तोड़ सकते हो, एक 1 2 3 4 इसमें करोगे यार तो आपको क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी लंबा बनेगा और जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको ज़्यादा चाहिए। बट मैं आपको किसी भी सर्कल को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 180 डिग्री पे तोड़ सकते हो, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे एंड किया और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, या फिर यहाँ से आके 1 2 3 4 चार पार्ट में तोड़ सकते हो। तो मैं दो पार्ट में ही बनाऊँगा सर्कल का प्रोग्राम, काफ़ी ईजी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ओडी पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए ये सब मिटा देता हूँ मैं, 20 का डायमीटर रहने देता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं 100 का, यहाँ से डायमीटर 100 का जो हमारा पहले था वही यहाँ पे mm 100 mm। अब ये जो वैल्यू है हमारी ए आई और जे, ये हमारा मर्जिंग पॉइंट है, इसको हम O.O कर सकते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, यहाँ पे एक प्रोग्राम नंबर डालेंगे, यहाँ पे सॉरी चलिए कुछ लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 2 4 5। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद N1 लिखेंगे, एक हमारा सीक्वेंस नंबर है जो वो, उसके बाद सिंपल सा हम होमिंग करवाते हैं G91 G28 Z 0.0 और G28 X 0.0 Y 0.0। अगर आपके पास रोटरी है तो आप AB0 करवा सकते हैं, जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टूल नंबर डाल देंगे, टूल नंबर 1 M06, जितने भी नंबर का आपको टूल की ज़रूरत हो वो डालो आप। और यहाँ से ये हमारा टूल नंबर हो गया, M06 हो गया। अब हमारी जो सेफ्टी लाइन है वो आएगी G0 G90 G40 G80 G21 G94 G17, ये हमको लिखना ही है, ये बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। यहाँ से अब इसके बाद हम क्या करेंगे, G0 G54 एक्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग कहाँ से, अब सर्कल को यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं P3 P1 P2 P4। यहाँ से हम एक जो साइकिल है वो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे P3 से P1 और फिर P3 आ जाएंगे, या फिर P1 से यहाँ पे आएंगे P3 फिर P1। मतलब हमको जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे लाके एंड कर देना है, दैट्स ऑल, और दूसरा कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, जो कटर का डायमीटर हो और जो हमारा ओडी हो वो ऐड कर देने का, तो ये हमारा आया था 60। मतलब ये 50 का रेडियस हो गया और 10 mm जो है वो हमारा कटर का रेडियस हो गया, तो 60 आ गया और वाई 0.0 कर देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे M03 स्पिंडल 1800-2000 जो भी है, जैसा आपका कटर है जिसके हिसाब से RPM। अगर RPM फीड आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो वहाँ पे पूरा फॉर्मेट ही दे दिया है आपको, सिर्फ कटर का डायमीटर सेलेक्ट करना है और BC सेलेक्ट करना है और कितने mm का आप कट देना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है और आपको जो प्रॉपर RPM और फीड है वो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आके अब सिंपल सा G43 H1 Z 10.0, अब G00 Z 1.0 G01 Z 0.0 फीड यहाँ पे दे देंगे हम 100 की 100.0। मतलब इस पोजीशन पे जो हमारा कटर है वो आ गया यहाँ पे P3 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से जाना कहाँ है, यहाँ से जाना हमको P1 पे,
तो जी जीरो टू अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो एक्स माइनस 16। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई जीरो है, वाई जीरो, चलो ठीक है। आई क्या होगा, यहाँ से हम घुमाएंगे तो आई माइनस आएगा। जे क्या है, जे हमारा यहाँ से इंक्रीमेंटल मोड है तो वो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच गए, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब वापस हमको वहाँ पे ही जाना है तो एक्स ये माइनस 60 आएगा, सॉरी यहाँ से शुरू किया था प्लस से, एक्स माइनस 60 वाई जीरो पॉइंट जीरो और आई माइनस 60 जे जीरो पॉइंट जीरो, मतलब ये यहाँ से घूम के हमारा कटर यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे आ गया। अब सिंपल यहाँ पे आ गए हम, अब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस जाना है, सिंपल सा है कि यहाँ पे x 60, y तो है नहीं हमारे पास, y यहाँ पे जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। i जो है वो यहाँ से प्लस होगा, यहाँ से घूम के जा रहा है तो प्लस ही होगा, आपको यहाँ पे i 60 जे 0.0 और जो आपको यहाँ पे फीट कमांड करना है 700-800 वो आप कमांड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। सिंपल यही है, आपको उठा लेना है टूल को, ये आपका फिनिश हो जाए तो इसके बाद सॉरी यहाँ पे डालेंगे जी जीरो जेड 100.0 M05 M09 और G91 G28 Z0.0 Y0.0 M30। दोस्तों इसी तरीके से आप G03 में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ अलग प्रोसेस नहीं है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो आपको चेंज करना होगा, बाकी कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लाते हो इवन से अगर स्टार्ट करते हो मान लो, तो यहाँ से अगर हम घुमाएंगे तो G02 में होगा। अब यहाँ से आएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, x माइनस 60 आएगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अगर ये हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं या फिर इसी को अगर हम उल्टा घुमाएं तो भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को G03 में घुमा सकते हैं। बट अगर आपको मान लो इस पॉइंट से P1 पॉइंट से आपको स्टार्टिंग करना है तो क्या करना है कि ये जो पॉइंट होगा वो हमारा मान लो इसका सर्कल का सेंटर जो ओरिजिन है वो 0-0 सेंटर में है, तो एक्स माइनस 60.0 वाई 0.0। अब यहाँ से घुमाएंगे तो भी G02 आएगा, एक्स 60.0 और यहाँ से हम घुमाएंगे तो वाई 0.0, आई जो है वो 60 आएगा, जे 0.0 यहाँ से, और फिर वहाँ से हम माइनस आ जाएंगे G02x माइनस 60.0 आई माइनस 60.0 जे 0.0 और जी 00 जेड 100 M05 M09 M30। सिंपल है, अगर आप दोनों तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट ये इतना प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको अगर आई जे के ये फुल सर्कल में प्रोग्रामिंग है, अगर आपको पूरा प्रोग्रामिंग देखना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा मैं उस टाइप से और बनाऊंगा, क्योंकि आई जे के है ना वो एक बड़ा फील्ड है, बड़ा फील्ड बोले तो आपको कहीं से भी प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग है। कहीं मान लो कोई प्लेट पड़ा है, प्लेट के ऊपर से आपको रेडियस मारना है, कॉर्नर में मारना है, तो एक सेंटर पॉइंट से अगर कंसीडर करते हो तो अलग चीज़ हो जाती है। बट अगर आप इंक्रीमेंटल में प्रोग्रामिंग करते हो जहाँ से ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपना जो आई जे के है ये तो सर्कल से प्रोग्राम करते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये जहाँ से शुरू होता है अगर इस तरफ जाए तो प्लस है, इस तरफ जाए तो माइनस है। इंक्रीमेंटल जहाँ पे आपका कटर है, स्टार्ट पॉइंट है, अब आपको यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दो ही देना है। अगर सर्कुलर प्रोग्रामिंग कर रहे हो आई जी के से, आई और जे से, तो आपको एक तो स्टार्ट पॉइंट देना है और दूसरा जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो आपको देना है, बस वो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।